नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रामू प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने चैनल समाधान पॉइंट में। दोस्तों, आज से पहले आप लोगों ने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं मिस्त्रियों के ऊपर। तो मिस्त्री आपसे छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत सारे पैसे ले जाते हैं, तो अब आपको वह पैसे उन्हें नहीं देने पड़ेंगे। और लगभग ज़्यादा हम नहीं बात करते किसी से, पर 80% काम आप खुद कर पाएंगे, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिश टीवी का हो, बाकी और भी जो भी हमें प्रॉब्लम, पानी के पंप हो गए, कूलर हो गया, पंखे हो गए, इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और आपके लिए हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आएँ। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और देखते रहिए वीडियो। आज चलिए हम आज सीखते हैं सबसे पहले गैस चूल्हा रिपेयर करना। तो चलिए चलते हैं अपने सेगमेंट की ओर। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों, ये गैस जलते जलते अपने आप ही बंद हो जाता है। अभी देखिए, आप देखेंगे कि जल रहा है, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। मिस्त्रियों को भी ये बीमारी समझ में नहीं आई। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैंने कहा अगर उधर मैं मिस्त्री हूँ तो इधर भी ठीक कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। और जहाँ तक मेरी कोशिश थी वो रंग लाई और मुझे पता चला कि इसमें क्या दिक्कत है। आपको भी ये बताते हैं ताकि आप इस परेशानी से ना जूझें। देखिए, ये अपने आप बंद हो गया, जल रहा है, बहुत परेशान हुए हम कि खाना बनाते रहते थे, चाय रख दिया इसके ऊपर बनने के लिए, और जो है कि अपने आप थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाता, भूख से बोल के। दिखाया, कितनी बार दिखाया, ये किसी को समझ में नहीं आए बात। दोस्तों, इसको ठीक करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे भी जल रहा है, आप पहले एक पतीला लीजिए, उसके अंदर आधा पतीला पानी गर्म कर लीजिए इसकी बीमारी को दूर करने के लिए। जी, आइए इसको, अब गैस को बंद कर लेते हैं। गैस बंद कर लिया हमने और इसके रेगुलेटर से इसके पाइप को निकालेंगे। पाइप निकालने के बाद, रेगुलेटर निकालने के बाद इसके पाइप को बाहर निकालेंगे हम। खींच के बाहर निकाल लीजिए घुमा करके। गैस चूल्हे के अंदर से भी पाइप निकाल लीजिए। आराम से निकालिए, देखिए निकल गया ये पाइप। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, ये देखिए दिक्कत है इसमें। ये गैस है, गैस में जो ऑयल आता है वो ऑयल यहाँ पे जमा हो गया है। ये गैस को पास होता था, जब गैस का प्रेशर बनता था तो ये लिक्विड जो है खुल जाती थी और वापस आ करके अपनी जगह पे आती है जब, तो ये गैस के रोक देती है और तो गैस बंद हो जाता है अपने आप। ठीक है, पहले कुछ दिन तक तो ये झटका ले लेकर के बंद होती रही, लेकिन अभी 10 दिनों से इतना परेशान किया इसने कि ये गैस एकदम ही बंद हो जाता है। पहले तो झटका ही लेता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसलिए अब इसको हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर का क्या करना है कि इसको बस धुलाई करनी है, सफाई कर देंगे अच्छे से। और ये क्लीन होने के बाद, या तो आपके कर सकते हैं तो पैसे लगाइए थोड़े से और इसमें नया पाइप लेके लगा लीजिए तो भी ठीक हो जाएगा आपका। और नहीं तो अगर इसी को ठीक करना है, पाइप आपके बिल्कुल ठीक है, कहीं से चूहे वगैरह ने नहीं काटा है, तो आप इसको धो लीजिए, गर्म पानी करके इसको अच्छे से धो लीजिए, वो लिक्विड बाहर आ जाएगा तो आपको परेशानी, आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपका गैस कभी चलते चलते बंद नहीं होगा, आप कभी परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ये तो गैस चूल्हे की रिपेयरिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस परेशानी को खुद फेस कर रहा हूँ। ज़्यादातर इसमें आपको इलेक्ट्रिकल और डीटीएच से संबंधित जानकारी आगे मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं जो आपके लिए हेल्पफुल हों। कोशिश हमारी यही रहेगी।
आप लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाए घर बैठे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े आपको। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, इसको अच्छे से साफ कर लीजिए, देखिए कहीं दोबारा से इसमें लिक्विड जमा तो नहीं है। अगर जमा है तो इसको पानी के प्रेशर से इसमें टूटी में ले जाइए और पानी का प्रेशर मारिए और ये सारा कचरा बाहर आ जाएगा। फिर साफ पानी का टूटी में लगाइए, जो टैंकी के नलके में लगाइए और इसमें चालू कर दीजिए, ऊपर से ये पानी प्रेशर के द्वारा बाहर आ जाएगा। अच्छे से पानी प्रेशर के द्वारा निकलेगा तो कचरा सारा बाहर आ जाएगा और आपका गैस कहीं बीच में रुकेगा नहीं है जी। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए, गर्म पानी भी आपका साफ़ ही होना चाहिए, कोई सर्फ़ नहीं डालना आपको, कोई लिक्विड नहीं डालना, कोई थिनर नहीं डालना साफ़ करने के लिए, बस गर्म पानी डाल देंगे आप उससे ही साफ़ हो जाएगा ये जी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ ताकि आपको खुद करने में परेशानी ना हो। बहुत लोग होते हैं खाली बता देते हैं, करके नहीं दिखाते। बताने में और करने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। देखिए अच्छे से इसको साफ कर लीजिए, झाड़ लीजिए, ठोक के पीट के हवा मार लीजिए, हो सके आपके पास प्रेशर प्रेशर वाली हवा है कोई तो उसे मार दीजिए ताकि इसके अंदर जो पानी के कण है थोड़ा बहुत वो निकल जाए। नहीं है आपके पास प्रेशर मारने के लिए तो मुंह से भी मार सकते हैं हवा इसमें, ताकि ये थोड़ा झटके से मारिएगा ताकि ये बाहर, अभी बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। अब इसको हम दोबारा जैसे लगा हुआ था पहले आराम से उसी तरह से लगाएंगे। ध्यान रखिए कि इसका पाइप जहां आप लगा रहे हैं नोब पे, कनेक्टर जहां है इसका, वहां पे लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज है तो आप दोबारा से उसको थोड़ा सा काट लीजिए आगे से और दोबारा से उसको लगाइए, रेगुलेटर पे लगा लीजिए और स्टोव में लगा लीजिए। रेगुलेटर में देख लीजिए कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, ध्यान से अगर फंसा है तो उसको साफ़ कर लीजिए। बाकी इसमें अक्सर कुछ फंसते नहीं हैं, लिक्विड अगर जमा होता है तो नीचे गैस के नीचे पाइप लगा रहता है ना, इसीलिए वो ऐसे होता है। अब हमने इसको लगा दिया है, इसको चालू करके देखते हैं कि अब सही जलेगा कि नहीं, जैसे था वैसे ही कर दीजिए। इसको जला करके देखते हैं, देख लीजिए ध्यान से कि कहीं से लीकेज नहीं है। थोड़ा सा हवा आ जाता है इसमें पहले, इसलिए कभी कभी जलता नहीं है। हमने जला लिया है इसे गैस को अपने, देखते हैं कि ये बंद हो रहा है कि नहीं, उम्मीद है कि बंद तो नहीं होना चाहिए। लीजिए दोस्तों हमारा गैस अब ठीक हो चुका है, गैस चूल्हा ठीक हो चुका है। दोस्तों इस तरह की हम आपको आगे भी बहुत सी वीडियो बनाएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे वो, जैसे इलेक्ट्रिकल से संबंधित। कम से कम 80% आपका काम आप खुद कर पाएंगे, आपके हृदय से डर निकाल देंगे हम आपके।